बहुत लेवल पूछती है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हेलो गाइस, वेलकम न्यू व्लॉग एंड वीडियो। और आज का सीन ये है कि आज करनी है गाड़ी साफ। गाड़ी पिछले व्लॉग में आपने देखी होगी कि गाड़ी बहुत साफ थी, लेकिन बीच में हम इस्लामाबाद गए थे तो इस्लामाबाद में ये गाड़ी काफ़ी चलती रही, आगे पीछे यूज़ होती रही है कामों में करके। तो सीन ये था कि इस्लामाबाद में गाड़ी गंदी नहीं होती, इस्लामाबाद में ये साफ ही थी, हत्ता कि बारिश भी हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने टाउन में वापस घुसता हूँ तो बस गाड़ी की कुछ ऐसी हालत है, क्योंकि वहाँ पे तो गाड़ी साफ ही थी, यहाँ आते साथ गाड़ी की हालत देख, शीशे शीशे तक कीचड़ गया हुआ है। बाकी इसका बोनट इस वजह से ओपन किया हुआ है कि ये चीज़ें कुछ मैं इसकी पेंट कर रहा था, ये हो गई वो जिसकी बॉटल होती है वहाँ पे, वो हो गई, उसका ढक्कन वगैरह हो गया, और ये कुछ रूफ़ की पट्टियाँ जो होती हैं ये भी पेंट हो रही थी। तो ये पेंट हुई भी हैं, छुटने की रखी हुई हैं। बाकी इसको करते हैं साफ, ये इसको पहले करते हैं अंदर, क्योंकि ये हुआ है साफ, ये गंदा हो गया तो बड़े भाई ऊपर से गुजर जाएंगे हमारे। इसको पहले इधर अंदर डाल लेते हैं, फिर करते हैं इसको ऐसे करके खड़ी तो साफ करते हैं इसको। सीन ये है कि हम इसको लेके जाके सर्विस भी करा सकते हैं अभी, लेकिन लेके जाएंगे सर्विस कराने तो हम ले जाएंगे इसको, लेकिन जब वापस आएंगे तो ये दोबारा इसके टायरों की टायर की तरह के, तो वो तो इसकी माँ जानती होगी ना, टायरों की यही हालत दोबारा हो जाएगी। A few moments later. तो बाइक हमारा हो गया है अंदर, इग्निशन बंद कर देते हैं, नहीं तो बड़े भाई ऊपर से गुजर जाएंगे हमारे। तो अलार्म बाय बाय। दो मिनट के लिए ये गर्म हो जाए फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। सफ़र इतना होगा कि आगे करके पीछे करके आगे कर देंगे बात। एक लाइट बंद हो गई है, एक चल रही है और एक को कुछ हो गया है। पिक्चर देखें, फिलहाल लोगों को नज़र आ रहा हो, पिक्चर चेक करें। ऑलराइट, व्लॉग बंद भी रहा है नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने काफ़ी सारे शॉट्स लिए और कैमरा ऑन करता था, शायद मोबाइल हीटअप की वजह से बंद, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो रही। बाकी अभी चल रहा, देखते हैं। थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, पहले गाड़ी साफ फिर सेम साफ, और अब प्यास लगी हुई इतनी पक्की करके ना,
बाकी गाड़ी की वो तो शॉर्ट मैंने बनाया तो पूरा नोट ही नहीं हुआ। गाड़ी की एक लाइट ख़राब हो गई थी, शायद वहाँ से मैंने बॉटल उतारी हुई है पेंट के लिए, शायद इस वजह से कोई उसमें वायरिंग की थी, लेकिन उसकी एक लाइट ख़राब हो गई थी, अब वो भी ठीक हो गई है। अब आपको कुछ जो अंदर ही रह कर हदूद में रह कर रोलिंग शॉर्ट्स बता सकूँ, वो रोलिंग शॉर्ट्स आप इंजॉय करें। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, ये खड़ी है उसकी, एक ये लाइट ये चल रही थी और ये वाली नहीं चल रही थी, तो अब दोनों ही चल रही हैं, लेकिन ये लाइट्स में फ़र्क है, लेकिन ये रात में बहुत मज़ा करता है। शॉर्ट्स कैसे लगे हैं? शॉर्ट्स दिखा दिए आपको। शॉर्ट्स क्या थे? शॉर्ट्स तो बेसिकली फर्स्ट वीडियो में थे, जो कल के वीडियो में थे। घर के अंदर कितने शॉर्ट्स बन सकते हैं, ये थी कि जो साफ की हुई थी वो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। इसको लगाते हैं जगह के ऊपर, कवर वगैरह करते हैं। इसकी इंटीरियर की वीडियो भी इंशाल्लाह आएगी, जो इंटीरियर देखना चाहते हैं। इतनी मॉडिफिकेशन तो इसमें हुई भी नहीं है, नॉर्मल सा इंटीरियर है, लेकिन छोटी मोटी जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो हैं। इसका सिस्टम माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हुआ है, सिस्टम पर भी एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा पूरी। बाकी इसको जगह पे करते हैं। और ये दिन ब दिन प्यारी लग रही होती है, खूबसूरत। नंबर प्लेट लगाई थी क्योंकि हम इस्लामाबाद गए थे, तो इस्लामाबाद में काफ़ी दफ़ा मुझे रोका भी है कि आपकी नंबर कहाँ है, वो शीशे पे होती थी, तो उन्होंने कहा शीशे पे नहीं होती, यहाँ पे होती है नंबर प्लेट। मैंने कहा थैंक यू, मुझे पता नहीं था। बाकी गाड़ी तो साफ़ सुथरी हो गई है। हेलो, your face tonight, not gonna see your face, don't wanna hear anything that you say, your love is a game that I don't wanna play, so cry all you want but I still walk away, cry all you want but I still walk away, so many words but you don't mean a thing, you blur the lines between love and obscene, so don't say you love me cause it's not a thing, it's not a thing. अंदर कर रहा था, वीडियो में आपने देखा होगा, और ये हो गया, ये हो गया, इस जगह पे जाके लगी, और ये जगह भी आपने देखी होगी, ये देखें क्रैक सी हो गई है यार, काली चीज़ को नज़र बहुत ज़्यादा ही लगती है। लोग कहते हैं काली चीज़ रखो, काले पर्दा लगाओ, काला कपड़ा बांधो, नज़र से बचोगे, लेकिन काली चीज़ को सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। तो अब बम्पर्स मैंने कराने थे वैसे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं था यार, ये बहुत ज़्यादा हो गया, काफ़ी ज़्यादा लगी है, और ये बाकायदा फोकस नहीं कर रहा, बाकायदा डेंट आया है, अंदर हो गई है, ये देखें ये बाकायदा डेंट आया है गाड़ी के ऊपर। खैर खैर कोई नहीं, जठा करेंगे, मसला नहीं है। ये फोन आ गया, ओ टेंशन वाले बाकी जो होना तो वो तो हो गया, अल्लाह की बेहतरी होती है, कोई मसला नहीं है। ये ना आप समझे कोई कि मैं छोटा ड्राइवर हूँ, मैं छोटा ही ड्राइवर हूँ, तो करते हैं इसको दोबारा आगे जोड़ते हैं, एक और बारी इसकी चुम्मी दिलवाते हैं उसके साथ, बाकी देखते हैं फिर क्या होता है आगे। एक बात समझ नहीं आ रही, गाड़ी में मैं ही था कल बैठा हुआ,
इतने गंदे, इसके स्टेयरिंग के ऊपर दाग आ गए हैं, बैक एक दरवाज़ा है वहाँ, उसकी भी खैर बताता चलूँ कि उसकी भी जो है मोटर का कोई मसला बन गया या क्या मसला हुआ। वो कल परसों बारिश हुई है बहुत ज़्यादा तेज़, उस बारिश में वो ओपन हुआ हुआ था, कुछ बैठे हुए थे वहाँ पे जो बारिश इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से वो पता नहीं शायद शीशे से अंदर चला गया पानी, उसके गैप से क्या हुआ या बटन में जाके उसके लगे कुछ हुआ है, वो जो बैक साइड का होता है शीशा ना पैसेंजर सीट का, वो ख़त्म ख़राब हो गया, मतलब नीचे हो गया था, मुश्किल से ऊपर किया, ऊपर नीचे, अब कोई पता नहीं शायद सूख के हो जाए कुछ अर्से बाद, खुद हो जाए टाइम बाद। यहाँ पे ये इतनी इतनी पार्किंग करनी पड़ती है, ये देखें, ये देखिए शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ये देखें बिल्कुल ज़ीरो फासला है, इतने से फासले पार्किंग पड़ती है। ट्रंक मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका ट्रंक ओपन कर लेते हैं, बाकी साउंड सिस्टम पे तो एक अलहदा वीडियो बनाएंगे हम पूरी। ये इसका ट्रंक, चाबी से भी ओपन हो सकता था लेकिन चाबी भी गाड़ी के अंदर ही लगी हुई है। ये है इसका ट्रंक सिस्टम, वो देखा, ये लगा हुआ है इसमें सिस्टम। ये मैंने खुद शौक से यूवी शीट का बनवाया था, मैंने इसको पेंट करना था ब्लैक में, अभी तक ये डिले ही हुआ है, डिले भी डिले होता जा रहा है, शायद हम वीडियोस में अब इंशाल्लाह ये भी करेंगे और ये सब बाकी अंदर पेंट हो जाएगा सारा, बाकी ये मैंने खुद बनाया था। ये जो है ना, ये नॉर्मल बॉक्स से बहुत बहुत अच्छा होता है, नॉर्मल बॉक्स मेरे पास दो थे जो कुछ ही टाइम के बाद वो कुछ गिराने लग जाते हैं, भूसा टाइप सा कुछ होता है गंदा गंदा सा, बस वो गिराने लग जाते हैं, वो सारा इस फटे छटा ख़राब कर देते हैं। ये मैंने गाड़ी ली थी तो गाड़ी के साथ मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, गाड़ी ली थी तब मैंने फ़र्स्ट जो इंस्टॉल कराया था वो ये था, फिर ये मैंने अलहदा से ख़रीदा था किसी बंदे से, ये दो बुफर्स थे मेरी गाड़ी में लगे हुए, एक में कन्वर्ट कराया है यूवी शीट की, ये मैंने खुद बनवाई है अप्लाई, क्योंकि ये देखें इसकी आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये नॉर्मल से बहुत बहुत अच्छी होती है, ये अब कटाई होगी, ये चेक करें इसके ऊपर, अगर आप हाथ भी इस तरह मारते हैं तो ये कोई वो चीज़ नहीं गिराती, साफ़ सुथरी, ये ख़राब होने वाली नहीं होती। बाकी इसके नीचे मैंने फट्टा लगवाना है, वो अभी तक मैंने खुद नहीं लगवाया क्योंकि इसके नीचे मैंने कालीन बिछाई हुई थी, ब्लैक में करानी थी ये कालीन, और ये इसके कुछ जैक वगैरह पड़े हुए हैं, बाकी जो जिसकी कालीनें वगैरह होती हैं। तो ये सिस्टम है मेरी गाड़ी का, जब गाड़ी में बजते हैं तो ये नंबर प्लेट वैसे ही नहीं टेढ़ी हुई, बड़ी तबाही हुई है तो ये टेढ़ी हुई है, देखते हैं फिर इस पर कवर डालते हैं फिलहाल। जैन देखा आपने भाई का? नहीं देखा, बताता हूँ, जो बॉटल मैंने पेंट होने की रखी हुई है, रेडिएटर की बॉटल है, वो गाड़ी में लगाना ज़रूरी है कि गाड़ी की निकालनी पड़ जाए तो मैं बोतल निकालता रहूँगा बैठ के। अब दोबारा कवर होता तो इसकी वो बॉटल्स वगैरह और पट्टियाँ वगैरह मैंने निकाल दी हैं इसकी वापस, वो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊँगा मैं वो, बाकी इसकी इंटीरियर ड्रेसिंग के ऊपर भी वीडियोज़ आएंगी तो आप लोग देखते रहना, कि स्पोर्ट जितना प्यार दिखाएंगे उतनी इसके हम लोग उतनी मोटिवेशन के साथ उतनी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। इसको दोबारा कवर करते हैं गाड़ी को, उसके बाद फिर जाके इस ब्लॉग को एडिट करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, सबसे पहले सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, मिलते हैं आपसे किसी अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।